वेलकम टू माय चैनल लिव हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सरसों के साग बनाने की रेसिपी, जिसे कि उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में बहुत ही शौक से खाया जाता है। मैंने ये सरसों ली और इसको यहाँ डंठल से ऐसे करके हमने डंठल का जो हार्ड पार्ट है इसको रिमूव कर देना है। सरसों का साग बनाने के लिए हम ऐड करेंगे सरसों, मेथी, बथुआ, ये हमने बथुआ लिया है, और पालक। तो इन चीज़ों को मिक्स करके हम साग के अंदर ऐड करेंगे और साग को छोटे छोटे पीसेस में पहले कट करेंगे। साग साफ हो चुका है और ये साग का सारा वेस्ट है जो कि निकाल लिया है, तो इसको हमने साग में मैरिनेट करना है। साग लेके हम इसे चॉप कर लेंगे इस प्रकार से। साग को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लें। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। पैन में सरसों का ऑयल डालकर अच्छी तरह गरम करेंगे और मेथी डालकर हम उसे भून लेंगे। लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डालेंगे और अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इससे साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसके अंदर चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे। अदरक को भी क्रश करके हमने अच्छी क्वांटिटी में डालना है, जो कि साग के टेस्ट को बहुत ही एनहेंस करता है। लाल मिर्च और साल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ साग और अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मक्की का आटा, जिससे कि साग अपना पानी नहीं छोड़ेगा। साग को 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब बहुत ही स्वादिष्ट मक्की की रोटी और सरसों का साग बनकर रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।